મિત્રો તમારે બધાને એક એડવાઇસ આપું, મસ્ત ગાંઠિયા ને ફાફડા ને જલેબી ને ફૂલછાપ છાપું લઈને કાનમાં ડટ્ટા નાખીને બેસી જાઓ મારું પોડકાસ્ટ સાંભળવા માટે, કારણ કે તમને મજા પણ આવશે અને કશું શીખવા પણ મળશે. ઓકે, આપ લોગ સોચ રહ્યું યાર ગુજરાતી મેં ક્યું બોલ રહું, કારણ કે મેં હમણાં જ બે દિવસ પહેલા ભાવનગર જઈ આવ્યો અને મને હવે ભાવનગર એસેન્ટમાં વાત કરવાની બહુ જ મજા આવી ગઈ છે. ઓકે, એસે તો મેરેકો મરાઠી ભી આતી હૈ. ચલીએ જી, આજ હમ લોગ તીન ટોપિક કે ઉપર બાત કરને વાલે હૈ. એક તો ઈગો, દૂસરા તો પેરેન્ટ્સ એન્ડ તીસરા વુમન સેફટી. તીનો કે તીનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક હૈ, આજ ને યુગો યુગો સે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક ચલતે આ રહે. ચલો, બિના કિસી ટાઈમ વેસ્ટ કે શરૂઆત કરતે હૈ. ઓકે, સો પહેલી કહાની એસી હૈ કે હમ લોગો ને ઇસ બાર સોચા કે વિસર્જન હમ લોગ ઘર પે હી કરેંગે. હમારે ઘર પે ગણપતિ બાપ્પા આયે થે એન્ડ વિસર્જન કે દિન કી આપકો બાત બતા દઉં, બહોત હી બ્યુટીફુલ સા કિસ્સા હૈ બટ બહોત કુછ સિખા જાતા હૈ. તો મેરે ઘર પે અભિષેક આયા હુઆ થા, હમ લોગ સબ ઘર પે હી વિસર્જન કરને વાલે થે. બીકોઝ યુઝ્યુઅલી હમ જાતે હૈ કહીં પે તાલાબ મેં, ઠીક હૈ, વિસર્જન સુરસાગર હૈ ઓર હમારે વડોદરા કે અંદર તો વહીં પે જાતે હૈ, બટ ઇસ બાર COVID-19 પેન્ડેમિક और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस की इसे वजह से हम लोग नहीं जा पाए. एंड घर पे विसर्जन करना ही अच्छा है बिकॉज एटलीस्ट हमारे पॉन्ड और वो सब क्लीन रहता है, ठीक है. तो यूजुअली क्या होता है, विसर्जन करने के पहले थोड़ा सा जो भी श्रृंगार किया होता है गणपति बापा का, जो मुगुट है, जो मोती की माला है, जो वस्त्र पहनाए होते हैं, उपरना जिसको मराठी में बोलते हैं, वो सब निकालते हैं, फिर आरती करते हैं एंड देन हम वापिस आरती करके फिर विसर्जन करते हैं. तो जो ये सब जब चीजें निकाल रहे थे गणपति बापा के ऊपर से, तब अभिषेक को थोड़ा रोना आ गया, ठीक है. अब यूजुअली देखो, मैं इतना भी सेंसिटिव काइंड ऑफ पीपल नहीं कि मुझे एकदम हाँ बुरा लगता है यार घर पर. सही में अगर आपको मैं बताऊं, घर पर जब भी गणपति बापा होते हैं तो काफी पॉजिटिव एटमोसफेयर होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटमोसफेयर होता है. एंड जब उनका विसर्जन होने वाला होता है तो यार अच्छा नहीं लगता है, ठीक है. बट मेरे किस्से में मेरे को रोना तो नहीं आया, बट अभिषेक को ट्रूली उसको रोना आ गया. एंड मैंने ऐसे ही उसको पूछा कि भाई मतलब क्यों क्या रोगा, मतलब क्यों रो रहा है. तो उसने मुझे बहुत ही तगड़ी चीज बोली कि यार मेरे को रोना इस बात का आ रहा है तो गणपति बाप्पा का विसर्जन हो रहा है. बोला यार ये तो बात सही है बट ठीक है, अपने आप को संभाल ले. तो उसने बोला कि दूसरी बात क्या है. तो उसने बोला कि बहुत ही तगड़ी चीज भगवान ने मुझे एक सेकंड के अंदर सिखा दी. मैं बोला यार इसको मतलब क्या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा क्या, एकदम आत्म सम्मेलन, पता नहीं कौन से वर्ड होते हैं यार, अब समझ लेना. मतलब क्या यार ऐसा क्या सिखाया. तो बोला कि यार देख, हम इंसान हर चीज के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, ठीक है ना, वो भागने में भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है. एक इंसान मेहनत करता है, बहुत ज्यादा मेहनत करता है किसी सफलता पाने के लिए, कुछ चीज को अचीव करने के लिए, इट्स ब्यूटीफुल थिंग, ठीक है. बट जब वो चीज को पा लेता है, ठीक है, वो उसी को अपना सब कुछ समझ बैठता है. एंड ईगो क्या होता है ना कि अगर आप अपने छोटे तबके के लोगों को अगर ठीक से बात नहीं करे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो, दैट इज ईगो. क्या है, मजा आ गया यार, मैं तो बड़ा साहब बन गया, बड़ा बाबू साहब बन गया, मेरे पास सब कुछ है, बहुत अमीर हूं मैं, ये क्या है, ये लोग नीचे के लोग क्या है, मेरे लिए मजदूर लोग है, मैं इनको कह कहूं मैं भाव दू. तो उसने मुझे बताया कि हम सबको यही पता है कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाएंगे. बट भगवान भी बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देके जा रहे हैं कि वो आए 7-8 दिनों के लिए हमारे पास, बट वो जब उनका विसर्जन हो रहा है तभी भी वो देखो अपने सब कुछ, जितने भी ऑर्नामेंट्स है, सब कुछ छोड़ के जा रहा है. तो खुद भगवान सिखा रहे हमको कि यार हु आर यू, किस बात का घमंड है भाई तेरे को, इस सज्जन को क्या तकलीफ है यार, ठीक है. तो यही है कि बहुत अच्छी अच्छी चीजें अपने को सीखने मिल जाती है. फिर ऐसी ही दूसरी कहानी इससे रिलेटेड एक और एक बताता हूँ कि एक बार एक महिला के घर पे एक बच्चे की डेथ हो गई एंड वो बच्चा अकेला ही, मतलब इकलौता बच्चा था उसका, एंड वो बहुत ज्यादा दुखी हो गई, बहुत ज्यादा दुखी हो गई. एंड ये गौतम बुद्ध जी के टाइम की स्टोरी है, एनसीईआरटी बुक में से मैंने ली है. तो उसमें क्या हुआ कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी और बहुत ज्यादा दुखी थी, ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी थी. तो उसने बोला कि यार मेरे को ये दुख सहन नहीं हो रहा है, मुझे इसका कोई इलाज बताओ, ठीक है, और मेरे बच्चे को जिंदा करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मेरे बच्चे को जिंदा करो. तो सब लोगों ने बोला कि आपको गौतम बुद्धा जी के पास जाना चाहिए, वही आपके बच्चे को जिंदा कर सकते. तो वो गई, मतलब ठीक है. अब गौतम बुद्धा जी से मिलने पर उस लेडी ने बोला कि यार मेरे बच्चे को जिंदा कर दो यार, तुम कुछ भी करो यार, फटाफट करो यार, ऐसा नहीं चलेगा. तो गौतम बुद्धा जी ने बहुत ही शांति से बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, कर दूंगा, कोई टेंशन नहीं है, बट मेरी एक छोटी सी शर्त है, अगर तुमने मेरी छोटी सी इस शर्त को पूरा किया तभी मैं तुम्हारे बच्चे को जिंदा कर सकता हूँ. बोला ठीक है, कौन सी शर्त है बताओ. तो उसने बोला कि तुमको कुछ करना नहीं है, तुम खाली मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, मस्टर्ड सीड्स को एक झोला भर के मेरे पास लेके आना है, बट उस घर के अंदर से जिसके घर पे किसी की डेथ ना हुई हो, उसी घर में से मस्टर्ड के सीड्स मेरे लिए लेके आना है. अगर किसी घर पे किसी भी पर्सन की डेथ हुई हो किसी भी फैमिली के अंदर, तो उसी घर से नहीं लाना है. तो दर बदर हर जगह पे भटकी, हर जगह पे गई, हर घरों में गई कि यार मुझे मस्टर्ड सीड्स दे दो. अब कोई मना थोड़ी ना करेगा एक झोला भर के देने में, सब लोग दे देते थे. बट जब वो क्वेश्चन करते थे कि आपके घर पे किसी की डेथ हुई है, तो सब लोग बोलते थे हाँ हुई है, अभी तो कल ही हुई, परसों हुई, 10 साल पहले हुई, 15 साल पहले हुई, ठीक है. तो वो बेचारी खाली हाथ
आई एक दिन बहुत मशक्कत करके, बहुत मेहनत करके, एंड इन द एंड ऑफ द डे उसको मस्टर्ड सीड्स कहीं नहीं मिले। तो गौतम बुद्धा जी को बोला कि मुझे समझ में आ गया है कि आप मुझे क्या कहना चाहते हो। सो कहानी बड़ी देखो कितने सिंपल सिंपल कहानियां होती है, बट ऐसी कहानियां ना बहुत कुछ सिखा जाती है। ईगो की बात चल रही थी, अब पेरेंट्स की अगर बात बताऊं ना तो हमारे पेरेंट्स भी ऐसे ही है, हमको बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें सिखा जाते हैं अपने कुछ कुछ वर्ड्स में, पर शायद हम उनको नजरअंदाज कर लेते हैं। तो हमको यही करना है कि हमारे पेरेंट्स की कुछ कुछ चीजों को बहुत ध्यान से सुनना है, उनको नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है। एंड लास्ट पॉडकास्ट खत्म करते आपको कहानी एक बताता हूँ वुमन सेफ्टी के ऊपर। देखो यार, एज अ पर्सन आई एम नॉट टू मच ग्रेजुएटेड, टू मच नॉलेजेबल कि मैं आप सबको बता सकूं अगर ऐसा करो वैसा करो, अपनी सोच सुधारो, ये करो वो करो, मैं इतना कोई ज्ञानी पर्सन तो हूं नहीं, बट एक सिंपल कहानी से अपना ओपिनियन बताना चाहता हूँ। महाभारत के टाइम की बात, शिशुपाल आए भरी दरबार में एंड श्री कृष्ण जी का अपमान करने लगे। अब उनके ऊपर एक वरदान था कि श्री कृष्ण जी उनका 100 अपराध को माफ कर देंगे और 101 अपराध पे उनका दंड देंगे, उनका वध कर देंगे। भरी सभा में श्री कृष्ण जी को मन फावे कुछ भी बोल रहे, अपमान कर रहे और बहुत ज्यादा अपमान कर रहे। जैसे 100 अपराध पूरे हुए, श्री कृष्ण जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, उनका वध कर दिया, शिशुपाल जी का वध कर दिया। एंड फिर ऐसे ही रिबाउंड होकर सुदर्शन चक्र उनके उंगली पे वापस आया तो उनकी थोड़ी उंगली में थोड़ी खरचोट आ गई, थोड़ी सी चोट आ गई, ठीक है। तो जैसे ही द्रौपदी जी फटाफट से आई और अपना थोड़ा साड़ी का थोड़ा सा पल्लू फाड़कर उनकी उंगली पर मरम पट्टी कर दी, तब श्री कृष्ण जी ने बोला कि आज मैं तुम्हारा ऋणी हो गया द्रौपदी, ये एक एक धागे का ऋण मैं समय आने पर चुकाऊं। एंड वी ऑल नो कि समय आने पर श्री कृष्ण जी ने कैसे अपने एक एक धागे का ऋण चुकाया था। शायद हम भी हमारे जिंदगी के अंदर हमारी माता और बहनों के ऐसे ही ऋणी है। हमारी माता चलो 9 महीने हमको पेट में रखती है, ठीक है, बट खाना पीना खिलाना, हमको जो चाहे मांग के, हम लोग मांगते हैं वो दे देना, ठीक है। मेरी मम्मी तो यार मतलब कभी मेरे को चोट लग जाती है तो मेरी मम्मी सामने वाले को डांट देती है कि यार मेरे बच्चे को ऐसा क्यों किया। यू नो मेरी दीदी, मैं मतलब छोटा था, मेरी मम्मी पर दोनों जॉब पे जाया करते थे, मेरी दीदी अपना आधा लेक्चर छोड़ के मेरे लिए आ जाती थी। एवरीवन, हम सब स्त्री शक्ति के लिए ऋणी है, वी आर, इतना ज्यादा कर्जा है हमारे सर के ऊपर। तो अगर ये कर्जे को अगर हम हमारे दिमाग के ऊपर कभी चुका नहीं सकते, कभी नहीं चुका सकते इस कर्जे को, बट अगर ये कर्जे को अगर हमारा दिमाग के अंदर हम रखेंगे तो शायद भारत की क्या हर देश की, इस संसार की सारी स्त्री शक्तियां सेफ होंगी। इसी के साथ मैं हमारा पॉडकास्ट खत्म करता हूँ, आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। एंड हाँ, एक बात और, मेरा अगर 54 मिनट का अगर पॉडकास्ट सुनना है आपको तो मेरे ही चैनल के ऊपर एक फीचर्ड चैनल लिस्ट है, वहां पे आप जाइए और वहां पे अभिषेक थॉट्स करके लिखा होगा, वहां पे जाइए और 54 मिनट का एक पॉडकास्ट है, उसमें हम लोगों ने डिप्रेशन के ऊपर, सोशल एंजाइटी, वुमन सेफ्टी, बहुत सारी हम लोगों ने चटपटी बातें की है, बहुत सारी ज्ञान वाली बातें की है एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ बातें की है, आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा नो डाउट। 54 मिनट का है बट मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में वर्थ वॉचिंग है, अगर आप एक बार देख लो तो शायद मुझे बहुत अच्छा लग जाएगा। एंड तब तक के लिए खुश रहिए और आबाद रहिए और देखते रहिए मांगिक पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।